फायर, इसका नाम क्या है कौन बताएगा? अगर हमारे बेला कासा के अंदर कभी आग लग गई तो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर को इसको चलाना आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसका नाम क्या है कौन बताएगा? बोलो, इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या नाम है इसका? ये क्या काम आता है? आग बुझाने काम आता है। आप क्या है कौन बताएगा? आप क्या है? आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। आग क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। हाँ, आग तीन चीजों से पैदा होती है। आग तीन चीजों से पैदा होती है। नंबर एक जलने वाली वस्तु, नंबर दो हवा, नंबर तीन गर्मी। तीन चीजों से सब नहीं देखना है, विद्युत चालू है सब नहीं देखना है, सिर्फ सुपरवाइजर ही कैच करेगा। आग तीन चीजों से पैदा होती है, एक हवा, एक गर्मी, एक जलने वाली वस्तु। फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक CO2, नंबर दो ड्राई पाउडर, नंबर तीन लिक्विड फॉर्म। आग कितने प्रकार की है? पांच प्रकार। नंबर एक ए क्लास फायर, लकड़ी, कागज, कपड़ा। नंबर दो बी क्लास फायर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। नंबर तीन सी क्लास फायर, CNG गैस, LPG गैस। नंबर चार डी क्लास फायर, केमिकल की आग, धातु की आग। नंबर पाँच ई क्लास फायर, इलेक्ट्रिकल की आग, शॉर्ट सर्किट की आग। क्लियर कट? ये पांचों आग के बारे में आपको पता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका, सबसे पहले इसका सील तोड़ना है। क्या तोड़ना है? इसका सील तोड़ना है। उसके बाद पिन निकालना है। उसके बाद नीजल को नीजल को निकाल के जहाँ आग लगी है आग को बुझाना है। क्लियर कट सुपरवाइजर? सावधान, आइए बताओ इनको। सबसे पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो। सबसे पहले सील तोड़ेंगे। सबसे पहले सील तोड़ेंगे। हाथ लगाओ सील को, तोड़ना मत, बोल इसका दिखाओ। उसके बाद इसको नहीं, उस नीचे रखो। उसके बाद पील निकालेंगे। हाँ, उसके बाद